हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेली डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आज। तो आपको सबसे पहले फ़ोन के ब्राउज़र में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। जैसे ये इंस्टाग्राम ऐप है तो आपको फ़ोन के ब्राउज़र में जैसे क्रोम हो गया उसमें, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें instagram.com ओपन करना है। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी यही स्टेप्स हैं। अगर पीसी पे डिसेबल करना चाहते हैं अकाउंट को, उसके लिए भी यही स्टेप्स हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ आना है एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे। थर्ड लाइन में जो एडिट प्रोफाइल है यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो फ़ोन नंबर वगैरह भी, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो मैं ये फ़ोन नंबर रुकना रिमूव, तो आपको ये कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। तो यहाँ लास्ट में आपको ये ऑप्शन दिखेगा टेम्पररली डिसेबल माई अकाउंट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ एक रीज़न देना है कि आप क्यों ये डिसेबल करना चाहते हैं। तो कोई भी स्टेप्स, मतलब कोई भी इसमें से ऑप्शन चूज़ कर लें, जस्ट नीड ए ब्रेक। तो उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड टाइप करना है। तो ये मैंने रैंडम पासवर्ड टाइप किया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परली डिसेबल अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो अगर आप परमानेंटली अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड जैसे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, या फिर कोई और, जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने 5 पोस्ट डाली हैं और 34 फॉलोअर्स आ गए हैं। तो अगर आपको भी ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप इंस्टाग्राम डिलीट कर रहे हैं तो आपको तो ऐसी ट्रिक्स नहीं चाहिए होंगी। तो अगर आपने परमानेंटली डिसेबल डिलीट करना है अपना अकाउंट तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ आना है अपनी ऐप में, इंस्टाग्राम ऐप में। उसके बाद यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स पे और यहाँ हेल्प लिखा होगा, यहाँ हेल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद हेल्प सेंटर पे क्लिक करें। उसके बाद दोबारा यहाँ राइट साइड पे 3 लाइंस होंगी, ये इस पे क्लिक करें। तो उसके बाद मैंने योर अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन, इसको क्लिक करें। तो उसके बाद आपको यहाँ हाउ डू आई डिलीट माई अकाउंट सेकंड नंबर पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ये डिलीट योर अकाउंट का लिंक मिलेगा। इसका कलर अलग है, ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये ब्राउज़र में ओपन होगा। तो ब्राउज़र में अगर आप पहले से लॉगिन है अपने अकाउंट में तो डिलीट का ऑप्शन सीधे ही आ जाएगा, नहीं तो ये आपसे ईमेल और पास मतलब इंस्टाग्राम का यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को बोलेगा। उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो फिर इसको यहाँ भी आपने ये सेलेक्ट करना है कि रीज़न क्या है आपका ये डिलीट करने का इंस्टाग्राम। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद पासवर्ड एंटर करें। तो जैसे ये डिलीट आगे आपका यूज़र नेम होगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैं अभी अगर ओके क्लिक करूं, ये पासवर्ड तो मैंने गलत डाला है, ओके क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। और 30 दिनों तक ये अकाउंट हिडन रहता है, तो 30 दिनों बाद ये डिलीट होता है जैसे ही आप डिलीट करते हैं। तो अगर उन 30 दिनों के अंदर आप, मतलब जैसे आपका मन चेंज हो जाता है तो अगर आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है और 30 दिनों बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।